भाई दिवाली आ चुका है, ऐसा फील हो रहा है हमें। ऐसे पैर लगा के लाना पड़ेगा, मेरे घर तक लाने की बात हुई है, वहीं पे लगा देंगे बाइक को, कल देखा जाएगा। अभी तो सर्विस सेंटर भी खुली नहीं होगी। तो देखा भाई, हमने गाड़ी को पूरा वॉश कर दिया एंड कवर अप करके हमने रख दिया। अभी टाइम शाम के 6:20 हो रहे हैं और अपन लेके निकल चुके अपनी गॉडज़िला को। फिलहाल अभी चल रहे सीधा एयरपोर्ट, हर्ष को वहाँ ड्रॉप करना है क्योंकि इसका फ्लाइट है वापस दिल्ली का। हमारे साथ ही आया था बस 2 दिनों के लिए, और अनलकली इसके साथ हुआ क्या कि इसका जो फ्लाइट था वो था गो फर्स्ट में, एंड गो फर्स्ट बैंक्रप्ट हो चुका है जिसकी वजह से भाई सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। तो इसको इमिडिएटली भाई बहुत ही महंगा टिकट लेना पड़ा दिल्ली का। तो भाई अब देखो प्रॉब्लम हो गया तो क्या कर सकते, कुछ किया नहीं जा सकता। एंड कल से इसका एग्ज़ाम्स भी है। यहाँ देखो राइट साइड में पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है। जब से बाइक सर्विस हुई है ना तब से चलाने में मज़ा ही आ रहा है, बिल्कुल अलग सा। क्योंकि लास्ट जो बाइक अपनी सर्विस हुई थी ना उस टाइम हम लोग लेकर चले गए थे इसको मस्तांग वाले राइड के बाद ना, बाइक की बैंड बजी पड़ी थी, एयर फिल्टर वगैरह बहुत चोक हुआ पड़ा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट था उस रूट में। एंड इनफैक्ट अपन मानसून के टाइम में राइड किए थे ना, तो भाई बाइक में ना बहुत ही ज़्यादा कचड़ा गया होगा अंदर, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि मैं जब वहाँ पर था ना भाई बैंड बजा पड़ा था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एंड ये नंबर प्लेट काफ़ी अच्छा लग रहा है सीजी। वैसे वाइट में ना कोई भी कार बहुत डिसेंट लगती है, बाकी ब्लैक का तो भाई मज़ा ही बिल्कुल अलग है। ब्लैक इज़ ऑल टाइम फेवरेट है अपना। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा ना कि मैंने वर्टस लिया उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ना भाई मैनुअल में लॉन्च हो गई वर्टस, वो भी ब्लैक कलर में। तो मैं सोच रहा था भाई क्या पता शायद अपने किस्मत में ऑटोमेटिक ही लिखा हो, क्योंकि GT लेना था, मैं GT में कोई और ऑप्शन आता नहीं था और 1 लीटर का मेरा कोई प्लान नहीं था। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्या क्या चीज़ चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या क्या प्लान्स मैंने कर रखा है अपकमिंग डेज़ के लिए, क्योंकि जैसे ये मॉनसून राइड स्टार्ट, मतलब भाई अभी नहीं बताना था, ये चेकआउट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मॉनसून आएगा हमने मॉनसून का बहुत ही तगड़ा राइड प्लान कर रखा है, और वो भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे लिए भी बहुत तबाही राइड होगा ये। मुझे एक तो बुलेट की आवाज़ बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। तो मैं ये बताने वाला था, हमने भाई बहुत ही तगड़ा रोड ट्रिप प्लान किया है एंड रूट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट ये जो पूरा रोड ट्रिप होगा ना भाई बहुत ही लंबा होने वाला है। स्टिल आई एम सेइंग दैट कि ये मेरे पूरे अभी तक, मतलब जितना भी मैंने राइड्स किया पूरे राइड्स में सबसे लंबा रोड ट्रिप ये होने वाला है। तो आप समझ सकते हो इट्स नॉट गोइंग टू बी लद्दाख, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्पिति, कुछ बिल्कुल हटके डिफरेंट करने वाले, बहुत ही डिफरेंट। तो ये भाई अभी तक मैं बता रहा हूँ बिहार से शायद ही किसी ने किया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बिहार से शायद मतलब गिने चुने उंगली पे गिने चुने बंदों के जिन्होंने ये राइड किया होगा। तो इस वजह से इस राइड को भाई अंजाम देने में ना काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत एंड आप लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट भी चाहिए। थोड़ा खाली पैच मिले तो बाइक को थोड़ा खींचो यार। भाई हमारे शहर में ऐसी ऐसी कार आ चुकी है, मतलब पटना में पहले बहुत कम कार हुआ करती थी, मतलब अच्छी महंगी कार। सामने देखो रेंज रोवर वेलार, एंड लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो मर्सिडीज GLC। वो आ रहा है पटना एंड उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जल्दी से हर्ष को ड्रॉप करते हैं एंड उसके पास जाते हैं भाई उसके पास। बाइक पटाखे मारती है ना इतना लाउड कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सर्विस के बाद से अपनी बाइक और भी ज़्यादा लाउड हो गई है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रही है, एंड बिना डिबिकलर का घूमना मुश्किल हो चुका है मेरे लिए। लग रहा है अब डिबिकलर लगाना ही पड़ेगा अगले वाले राइड से, अभी तो मैं लेकर आया नहीं हूँ, बट ऐसे अगर राइड करूँगा तो सिटी में दिक्कत हो जाएगा भाई।
बिल्कुल परफेक्ट है गर्मी के दिनों में निकल के राइड करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना अपन भाई ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है, अंधेरा भी नहीं होता है, और हॉर्स का पीछे बैंड बजा पड़ा है मुझे पता है भाई पहली बार ऐसा पीलियन बैठ रहा है इस साल में, जबकि मैं बाइक को ज़्यादा लिमिट के बाहर भगा भी नहीं रहा, बिल्कुल आराम से चला रहा हूँ। एंड लास्ट वीडियो में ना भाई आप लोगों ने कमेंट किया था यार कि राइड सेफ किया करो भाई, मैं सच बता रहा हूँ पहले के कंपैरेटिवली मैं बहुत ही आराम से राइड करता हूँ। आप सबने भाई रिसेंट जितने भी वीडियोस देखे होंगे आप सबको पता चल चुका होगा भाई पहले मैं भगाता था, देखो टू बी ऑनेस्ट पहले मैं बाइक्स भगाता था, बट अब भाई आपको पता होगा मैंने भाई बाइक बहुत कम भगाए, एंड जब से हमने गॉडज़िला लिया है उसके बाद से तो भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, क्योंकि इस बाइक में इतनी ज़्यादा पावर है ना, बहुत सोच समझ के भगाना पड़ता है इसे हमें। लेफ्ट हैंड साइड में एयरपोर्ट है, एंड अभी जैसे भाई फ्लाइट लैंड करती है ना उससे ज़्यादा साउंड अपनी बाइक का आ रहा है, क्योंकि भाई जब इसकी डिब्बी वगैरह निकली भी रहती है ना ये बाइक बिल्कुल डोप साउंड करती है, बिल्कुल डोप। तो भाई लोग वापस से आ चुके हैं अपन बाइक पे, एंड ये अभी चेक इन कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं, एंड जल्दी से यहाँ पर स्लिप ले लेते हैं बाइक का। भाई पंगा ये है ना कि अंदर पुलिस वाले ना हो भाई, वरना एग्जॉस्ट को लेकर कुछ सीन हो सकता है। चलो ये स्लिप हमने ले लिया, एंड 5 या 7 मिनट तक शायद फ्री होता है, उसके बाद चार्जेस लगते हैं, तो हमें तो भाई 2 मिनट भी नहीं रुकना, बस ड्रॉप करना है फिर निकल जाऊंगा। तो बहुत छोटा एयरपोर्ट ज़रूर है बट भाई हमारा काम तो हो जाता है, वरना भाई बहुत जगह तो एयरपोर्ट भी नहीं होता है बहुत शहरों में, लकली हमारे शहर में है एयरपोर्ट। चलो ठीक है बाय, चलो ठीक हैव अ सेफ फ्लाइट। और मैं चला वापस से, 7 बज चुके हैं भाई, अब चलना है आज़म के पास भाई, कहाँ पे है वो देखते हैं। तो भाई हमें अभी एक और फ्रेंड का कॉल आया, वो बस यहीं पास में हमारा वेट कर रहा है, तो बस उसके पास चलते हैं, एंड उसके बाद चलेंगे टुवर्ड्स कंकड़बाग, क्योंकि आज़म उधर ही आ रहा है बाइक लेकर, उसके बाइक में ना कुछ पंगा आ गया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, और पंगा तो यहाँ भी आ गया भाई, कितनी देर ऐसे अपन खड़े रहेंगे समझ में नहीं आ रहा। को स्लिप चाहिए ही नहीं, चलो अच्छी बात है भाई, पटाखे ना बहुत मार रही है अपनी बाइक, पता नहीं क्यों सर्विस के बाद से तो नेक्स्ट लेवल पटाखे मार रही है। तो यहीं पे राइट हैंड साइड में वेट कर रहा है भाई अपना फ्रेंड, आवाज़ से तो पता चल ही जाएगा कि भाई अपन आ चुके, कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक फ़ायदा होता है भाई ऐसी सुपर बाइक का, और भाई अगर एग्जॉस्ट लगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो शायद उस तरफ वेट कर रहा हमारा। कर लो भाई, ले लो भाई, ओके भाई ठीक है चलो। क्या भाई कितने दिनों के बाद तुम मिले अपनी ड्यूक भाई को लेके, अरे गाड़ी वो आ गया था ना वही निकला, क्या हो गया कार में भैया भोग दिया बक क्या हाल किए हो भाई तुम, कार का दिखाओ जरा हमारी जनता भी, और ए भाई ये चेकआउट करो इस कार का क्या हाल किया इसने, फोटो सामने से खींच दीजिए खाली बस भाई, खींच दो भाई का फोटो यार। ठीक है भाई चलो, तो भाई को फ़ोटो लेना था, अब हम लोग रुके ही थे तो भाई का भाई मन में जो ख्वाहिश थी वो भी हमने पूरा कर दिया। ठीक है भाई, देखो यार जब हमारे पास भी बाइक्स नहीं हुआ करती थी ना, देखो मैं सच बता रहा हूँ जब मैं साइकिल चलाता था ना तो मुझे बाइक्स का वैसा कुछ मतलब कीड़ा नहीं था, मुझे लगता था हाँ भाई बाइक होनी चाहिए अपने लाइफ में, बट ऐसा कोई कीड़ा नहीं था, बट भाई जब से मैंने बाइक चलाना शुरू किया उसके बाद बस जो बाइक का कीड़ा चढ़ा मेरे ऊपर, मुझे उसके अलावा कुछ और समझ नहीं आता, बाइक्स ही बाइक चाहिए, चाहे आप कोई सा भी कार ला दो बाइक का एक अलग ही फील होता है। तो साहिल इज़ ऑन हिज ड्यूक एंड मैं अपनी गॉडज़िला पे, और सामने PCR भी चल रही है भाई, PCR वाले भी रॉन्ग इंडिकेटर देके चल रहे हैं, ये देखो तो
लग गया है, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है बाइक अब इसकी, पहले से और बेटर हो गई है। एडवेंचर लेने का तो मन कर रहा है मेरा बहुत ही तगड़ा वाला, बट कभी कभी मन करता है एक ड्यूक 390 ले लूँ यार, इसको लेकर अपन लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं, डेली राइड्स भी कर सकते हैं, बट फिर वही चीज़ है ना, मतलब इसको रखने के बाद कोई मतलब बनता नहीं है लेने का। भाई बस थ्रॉटल लिया, बाइक अपने आप उठने लगी थी, मैंने कुछ किया ही नहीं भाई इसके साथ। और पटाखे तो ऐसे मार रही है, लग रहा है भाई दिवाली आ चुका है, ऐसा फील हो रहा है हमें। आने देते भाई साहिल को, वरना बोलेगा भाग रहे हो बाइक लेकर, मैं भी ले लूंगा सुपर बाइक फिर बताऊंगा। भाई मैं तो चाहता हूँ मेरे जितने फ्रेंड हो धीरे धीरे करके सबके पास भाई सुपर बाइक आ जाए और फिर सब साथ में राइड करेंगे। आई एम द गाय, भाई मैं ये नहीं देखता हूँ किसके पास कौन सी बाइक है, जो अपने दोस्त जैसे पहले थे वैसे आज भी है, मैं सबके साथ राइड करता हूँ, डजेंट मैटर भाई आज मैं सुपर बाइक से राइड कर रहा हूँ तो उनके साथ राइड ना करूँ, एंड जो सुपर बाइक वाले दोस्त लोग हैं उनके साथ राइड करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो भी लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उन्हें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगा, क्योंकि भाई मैं भी उन्हीं में से हूँ भाई, मैंने भी अपनी जर्नी हॉर्नेट पे स्टार्ट करी थी, होंडा हॉर्नेट 160, उसके बाद भाई धीरे धीरे करके काफ़ी मेहनत करके एंड आप लोगों के प्यार से भाई आज अपन इस बाइक को राइड कर रहे हैं। सो एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड धीरे धीरे करके लोग हीरो बनते हैं, मैं कोई हीरो अभी तक नहीं बना। इतनी पटाखे क्यों मार रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थ्रॉटल बॉडी जब से क्लीन हुआ ना नेक्स्ट लेवल बाइक चल रही है अपनी, बिल्कुल स्मूथ, मतलब अभी जो अपनी बाइक की कंडीशन है लाइक रेडी टू गो, मतलब लेके कहीं भी निकल जाओ। पंगा नहीं होता शाम को, तो बिल्कुल मस्त बाइक लेकर निकलो, ट्रैफिक भी संडे को थोड़ा कम ही होता है बाकी दिन के मुकाबले। अभी चलेंगे भाई आजम के पास, देखते क्या सीन हुआ पड़ा है, उसका बाइक कहाँ है, बाकी कुछ और फ्रेंड्स आ रहे हैं उसके पास, तो बाइक भाई हमें ना मतलब ऐसे पैर लगा के लाना पड़ेगा, मेरे घर तक लाने की बात हुई है, वहीं पर लगा देंगे बाइक को, कल देखा जाएगा, अभी तो सर्विस सेंटर भी खुली नहीं होगी तो। एंड वो आ रहा है अपने गाँव से, मतलब राजगीर से, तो राजगीर से आने में रास्ते में पहले मेरा ही घर पड़ेगा, तो अपन वेट करते हैं भाई। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब हम और आज़म जब हाईवे पे वीडियो शूट करने जाया करते थे बहुत पहले भाई, मतलब जब मेरा स्टार्टिंग था यूट्यूब पे, उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ इन 2019, तो उस टाइम पे ना भाई अपने साथ एक बाइक थी जो बंद पड़ गई थी, उसको हमने वहाँ से भाई टो करके पैर से लिटरली लात लगा कर, कौन है भाई किस बात की चुल मची है। भाई बिना मतलब का हॉन्ग कर रहा है बंदा पीछे से, तो ऐसा कुछ सीन हुआ पड़ा था, तो उस टाइम ना हमने लात मार के लगभग 25 से 30 किलोमीटर बाइक हमने लात लगा कर लाया था, सोच लो क्या हाल हुई पड़ी होगी, बैंड बजी पड़ी थी हमारी, तो जल्दी से पहुंचते हैं अभी, उसके बाद बताते हैं क्या सीन हुआ है। भाई ये चेकआउट करो भाई, ये हमारी फ्लैश के कवर के साथ भाई कुत्तों ने क्या हाल किया, नई कवर है भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू, कुत्तों ने बैंड बजा दिया इसका, ये चेक करो भाई। और ये वही डॉग है जिसको अपन यहाँ पर रात में कभी कभी रोटी खिला देते हैं, यही रहे कुत्ते भाई, और ये हाल हुआ पड़ा हमारी कवर का। हमारे साथ ये लड़की थी Z900 पे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन इतना सारा किया ना, शकल छुपाने से कुछ नहीं होगा भाई, सब जानते हैं, देखो इसका स्कूटी है, नंबर उम्बर छुपा देते हैं, इतना कैसे ठोकी स्कूटी यार, इतना मैं तो स्कूटी चला